फ्लूइड प्रेशर या प्रेशर, बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें, लिक्विड का प्रेशर। बहुत सिंपल है, आप एक कंटेनर में लिक्विड भर लो, जमीन के ऊपर वो भार लगाएगा, वेट लगाएगा, एरिया के ऊपर तो प्रेशर लगाएगा। आप सी के नीचे चले जाओ, जितनी डेप्थ पे जाओगे आपका सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है ब्लड प्रेशर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पानी आपके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ठीक है, यहां तक तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रेशर क्यों लग रहा है, रूल नंबर वन, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको पढ़ने की आज के बाद जरूरत नहीं है, बस एक बार सुन लेना आपने, कि लिक्विड के पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो जैसे ये मॉलिक्यूल एक्स है, इसको सराउंडेड मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या फील कर रहा है, प्रेशर। तो अगर मैं भी पानी में जाऊंगा तो मॉलिक्यूल मेरे ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो मैं क्या फील करूंगा, प्रेशर। आप अगर पूल, स्विमिंग पूल के नीचे जाते हो, आप फील करते हो कि पानी क्या लगा रहा है, प्रेशर लगाता है, अब ऊपर भी आते हो, राइट। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ ये जरूर है कि नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो रहती है। वो क्यों, अगर जीरो ना रहे तो पानी तो अपने आप ही उधर घूमना स्टार्ट कर दे पड़ा पड़ा, ग्लास में पानी क्यों रहेगा स्टेशनरी। अगर नेट फोर्स जीरो ना हो तो मॉलिक्यूल, मान लो इधर के मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो पानी इधर नहीं चला जाएगा, तो ऐसा स्टेशनरी रहता है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या रहती है, जीरो, पर सराउंडेड बाय ऑल मॉलिक्यूल फोर्स तो लगती है, तो प्रेशर तो लगता है। दूसरा, इसको फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, इट एक्ट्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड बॉडी। तो जहां जहां लिक्विड है वहां वहां ये प्रेशर लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह लगेगा। दूसरा पॉइंट है, एट वन पॉइंट इन अ फ्लूइड बॉडी इट एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर वेक्टर नहीं है कि पता लगे कि आपने एक पानी रखा यहां पर और दीवार पे उसने बस वहां वहां प्रेशर लगाया, उसके बाद यहां प्रेशर लगाया नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा। प्रेशर हर तरफ लगता है। जैसे एग्जांपल है, आप एक गुब्बारा ले लो जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें होल्स कर लो, आप देखना कि सभी होल में से पानी निकलेगा, यानी कि प्रेशर हर तरफ लग रहा है। ये नहीं है कि एक होल में से निकल गया बाकी खाली, क्योंकि वहां प्रेशर नहीं लग रहा। और अगर आप दबाओगे हल्का सा गुब्बारा तो पानी सभी होल में से ज्यादा निकलेगा, तो प्रेशर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, क्लियर है यहां तक। तो हर जगह लगता है। तो इफ फ्लूइड इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड सरफेस, तो अगर ये एक सॉलिड सरफेस है और ये पानी से भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, और मान लो ये एक सॉलिड मॉलिक्यूल है इसका, ग्लास का, तो इस सॉलिड मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, हर तरफ फोर्स लगा रहे हैं। और जो नेट फोर्स होगी, अगर मैं सभी फोर्सेस रेडीमेडी के कंपोनेंट्स लूंगा तो इनके कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल होंगे, और जो नेट फोर्स निकलेगी वो हमेशा इस वॉल के परपेंडिकुलर ही निकलेगी। फोर्सेस तो टेढ़ी-मेढ़ी लग रही हैं, और उन सबका वेक्टर सम आपको वॉल के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो पानी की जो फोर्स लगेगी वो हमेशा वॉल के परपेंडिकुलर ही लगेगी। ये फैक्ट आपने ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि पानी यहां फोर्स लगा रहा है, नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाएगा, ये याद रखना है आपने। कोई भी बॉडी अगर तैरती है तो इसके लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आर्किमिडीज ने सोचा कैसे, आर्किमिडीज ने स्टार्ट यहां से किया था कि एक बॉडी अगर डाल दी जाए तो ये बॉडी के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे हर तरफ। अब हर तरफ फोर्स के अगर मैं कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करूंगा तो कुछ कॉम्पोनेंट एक्स में निकलेंगे और कुछ वाई में निकलेंगे, तो एक्स कॉम्पोनेंट सारे फोर्सेज आपस में कैंसिल कर जाती हैं, तभी तो बॉडी ना इधर जाती है ना इधर जाती है, यहीं रहती है। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स कैंसिल करती है एक दूसरे को, अब वाई कॉम्पोनेंट फोर्स क्या करती है, इस बॉडी को ऊपर फोर्स लगाती है, और बॉडी का वेट कहां करता है, नीचे। तो अगर समेशन ऑफ वाई वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऊपर है और बॉडी का वेट नीचे, अगर बॉडी का वेट ज्यादा हो गया इस पानी की फोर्स से तो बॉडी डूब जाएगी, और अगर ये बड़ा हो गया, पानी ने ज्यादा फोर्स लगा दी बॉडी के वेट से, तो बॉडी ऊपर तैरेगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, लेकिन आर्किमिडीज इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करता है। पर हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पानी फोर्स लगाता है और अगर हमारे वेट को बैलेंस कर जाता है हम तैरते हैं, ठीक। किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है उसको लिखने का तरीका, डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए अगर लिखा जाए तो ये एवरेज प्रेशर है, डेल्टा मीन्स एवरेज। और अगर मैं लिमिट लगा के डेल्टा ए जीरो कर दूं
याद करो फर्स्ट लेक्चर, तो ये इंस्टेंटेनियस प्रेशर यानी कि किसी पॉइंट का प्रेशर आ जाएगा, बहुत छोटे पॉइंट का प्रेशर आएगा, तो ये लिखने का तरीका है। हालांकि हम तो नॉर्मल यूज करेंगे फोर्स बाय एरिया, सिंपल राइट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है, रेलवे ट्रैक्स के नीचे वुडन प्लैक्स बिछे होते हैं बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि जब ट्रेन गुजरेगी तो फोर्स बहुत बड़ी होगी, ट्रेन की वेट बहुत ज्यादा है, तो एरिया को बढ़ा दिया जाता है वुडन प्लैक्स से, तो प्रेशर उसके ऊपर क्या लगता है, कम, पटड़ियों के ऊपर प्रेशर कम लगेगा क्योंकि एरिया बड़ा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। दूसरी एप्लीकेशन है पेपर पिन जो होते हैं, ऑल पिन्स, वो तीखे होते हैं आगे से, क्योंकि एरिया कम कर दिया जाता है, एरिया कम करने से प्रेशर ज्यादा, तो पेपर में घुस जाते हैं। इंजेक्शन है सारे तीखे हैं, क्यों? जितना तीखा होगा प्रेशर जल्दी घुसेगा, ठीक। इट इज पेनफुल टू वॉक ऑन अ रोड कवर्ड विद पेबल्स, पतले पतले पत्थर हैं, तो अगर आप बिना जूतों के चलोगे तो चुभेंगे, क्यों? एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर बड़े पत्थरों पे नहीं चुभेगा, ठीक। फिर आप वो ऑक्यूप्रेशर भी कराते हो और पिंस मारते हैं, वो यही तो है, पतले पतले पिंस मारते हैं तो प्रेशर के पॉइंट्स ढूंढते हैं, राइट, क्लियर है यहाँ तक?